कि ये राम कथा ये ताली के समान है, सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा बनहरी, संशय रूपी पक्षियों को जो है जीवन रूपी खेत से उड़ा देने वाली है। अगर वह उड़ गए तो जीवन में हमारे ज्ञान भक्ति और वैराग्य एक सुंदर खेती लहलहा जाएगी, फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी महाराज। बस एक बात आपने जो कहा कि ये राम वही है कि कोई और है, ये अच्छी नहीं लगी, इसमें आपके पूर्व जन्मों की परछाई हमें नजर आ रही है, है? अरे ऐसा कोई तो अज्ञानी व्यक्ति भी नहीं कहेगा कि कोई वो राम अलग है और ये राम अलग है, ये वही राम है, कहीं सुनाई अस अधम। तो निर्गुण और सगुण में कुछ भेद नहीं है महाराज, केवल जिस तरीके से आप जल को देखते हैं, जल का कोई अपना आकार होता है क्या? उस जल को आप गिलास में अगर रख दें तो कौन सा आकार ले लेगा गिलास का? अगर लोटे में रख दें तो लोटे लोटे जैसा, बाल्टी में रख दें तो बाल्टी जैसा आकार हो जाएगा। और उसी को अगर और सगुण साकार में देखना चाहते हैं तो किसी भी बर्तन में रख करके फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, तो वह उसी के आकार का जम जाएगा। अब बताइए कि वो क्या है, उसका नाम भले आप बर्फ दे दें मगर वो बर्फ में है क्या? जल ही जल समाया हुआ है। ठीक इसी तरह से वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जब कोई भक्त उनको पुकारता है, जिस रूप में पुकारता है वह वैसा ही रूप धर करके और वह प्रस्तुत हो जाते हैं। तो निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जो है महाराज इतना भेदभाव कर लेते हैं, हम तो शिव के उपासक हैं, हम तो राम के उपासक हैं, हम गायत्री के उपासक हैं, कोई कहेगा हम तो दुर्गा के उपासक हैं। अरे कुल मिलाकर के सब एक ही है, ये सब शाखाएं हैं महाराज। जैसे गायत्री को ले लीजिए, गायत्री ही पूर्ण ब्रह्म है और उसके समत्व देवत्व का समुच्चय है गायत्री। गायत्री से ही राम है, गायत्री से ही कृष्ण है, गायत्री से ही शिव है, गायत्री से ही सब कुछ है। इसलिए आप देखते हैं कि जो है शिव गायत्री, राम गायत्री, कृष्ण गायत्री, हनुमान गायत्री, दुर्गा गायत्री, काली गायत्री है। तो मूल में तो इनकी सब शाखाएं हैं, इस सृष्टि में अनेकों विभाग हैं, उन विभाग सह मगर है सब परमात्मा की धाराएं। शक्ति चाहिए तो आप दुर्गा के पास में जाइए, बुद्धि चाहिए तो गणेश के पास में जाइए, ऋतंभरा प्रज्ञा चाहिए तो गायत्री की उपासना करिए, धन चाहिए तो धनलक्ष्मी की उपासना कीजिए। आपका जीवन में कोई कठिनाइयां हैं उन उन देवताओं के पास में जाइए जिनके सब विभाग बटे हुए हैं। इसीलिए देखिए भाई, राष्ट्रपति माना कि देश का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, मगर अगर छोटे छोटे कार्य के लिए आप राष्ट्रपति के पास में जाएंगे तो क्या संभव है पूरा होगा? राष्ट्रपति ने तो पूरा जो है प्रधानमंत्री और अनेक मंत्रियों, मंत्रियों से अनेक जो सबके अलग अलग जो है विभाग बांट दिए गए हैं, जिस जिसकी समस्या हो उस विभाग में जाकर के मिलिए। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो जिसकी जो समस्या है उसका विभाग बटा हुआ है। मूल रूप में गायत्री के मंत्र की का जप करें, उपासना करें, मगर अगर कोई कठिनाई आ गई है तो उस देवी उस देवता के पास में पहुंच जाएं। लक्ष्मी की कमी है तो लक्ष्मी जी का यजन करें, आहुतियां दें। इसीलिए हमने अष्टलक्ष्मी गायत्री यज्ञ जन जन तक पहुंचाने का संकल्प उठाया है माँ गायत्री की प्रेरणा से, ताकि आपको जीवन की ये लौकिक जीवन की हर समस्या का समाधान भी तुरंत मिले और इसके बाद में आप मानव जीवन को सार्थक बनाते हुए ब्रजत ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर पाए। अष्टलक्ष्मियों की आहुतियां हम इसीलिए दिलवाते हैं ताकि वो अष्टलक्ष्मियां प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दें और जो आपके जीवन में कमी है वह कमी की पूर्ति हो। धनलक्ष्मी की भी आहुति दिलवाते हैं, वैभव आपके जो है विद्या लक्ष्मी की भी, संतान लक्ष्मी की भी, धैर्य लक्ष्मी की भी, अष्ट लक्ष्मी सबकी सबको आहुतियां दिलवाते हैं। हमारा लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है, जीवन में
आपके लौकिक जीवन भी सुधरे और पारलौकिक जीवन भी सुधरे।